ऑर्डर किया है। मैंने कहा सर मैंने तो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, और वो सर पता है किस चीज का था, मैं आपको खुल के बोल रही हूँ, वो जी एक सेक्स रिलेटेड कोई प्रोडक्ट था, सीरियसली। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे एक पेंटिंग बनाकर बेचने वाली लड़की के साथ ओएलएक्स पर कांड हो गया और उस बेचारी के मेहनत से पैसे हुए कमाई को एक फ्रॉड कॉलर ने लूट लिया। नकली ग्राहक बनकर मेरे से फोन पर उन्होंने बात की और उसकी पूरी बातचीत जो भी हमारे बीच में हुई उन्होंने मेरे साथ ये सारा किस्सा शेयर किया, ताकि उन्होंने बताया कि जिस तरह से मेरे मेहनत के जो भी पैसे थे वो सारे चले गए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और के पैसे इस तरह से जाएं। तो पूरी आप भी थी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, तो अब आप इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुन लीजिए। हेलो, हेलो, हाँ जी, बीना जी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भैया करनी है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ मैं बीना बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ मिस्टर ग्रोथ यूट्यूब चैनल से। आपने नंबर कुछ और दिया दूसरे नंबर से? अरे सॉरी, वो एक्चुअली मेरे ना दोनों ही परमानेंट नंबर है और मैंने गलती से दूसरे से फोन कर लिया, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ हुआ क्या था। जी मैंने मेरी कुछ पेंटिंग्स है जो मुझे मैंने सेल करनी थी, और तो पेंटिंग आपने पेंटिंग सेल करनी थी आप, यानी कि खुद पेंटिंग करते हो आप? हाँ मैं पेंटिंग करती हूँ। ओके नाइस। और फिर मैंने ओएलएक्स पे डाली थी, ये तो मुझे ओएलएक्स का कुछ पता नहीं था। मैंने पहले यूट्यूब भी नहीं सर्च किया था कि ओएलएक्स का क्या है क्या नहीं है, बट बहुत साल पहले मैंने ओएलएक्स के बारे में सुना था, जी तो मैंने डाउनलोड करके अपनी पेंटिंग डाली थी। तो वहाँ पे चैट स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक सबने बोला था कि मुझे कुछ पेंटिंग बनवानी है, तो जी इस रिगार्डिंग तो उस रिगार्डिंग से पेंटिंग के रिगार्डिंग से कॉल किया था इस वजह से। ओके। तो मैंने वहाँ पे पेंटिंग जब डाली थी तो मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए थे कि मैडम मुझे पेंटिंग बनवानी है, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे पिक सेंड कर दीजिए और मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगी। तो मेरे पास 2 दिन बाद एक कॉल आई कि बेटा मुझे पेंटिंग बनवानी है, तो बेटा बेटा करके बात कर रहे थे मुझसे। तो उन्होंने बोला कि मुझे पेंटिंग जो बनवानी है 2 हनुमान जी की बनवानी है और 2 राधा कृष्ण की बनवानी है। तो मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दीजिए क्या कितना साइज की बनानी है, कौन से कलर की बनानी है। तो उन्होंने बोला कि मुझे 18 इंच की बनवानी है, तो आप बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 1 पेंटिंग का 1000 लगेगा विद फ्रेम के साथ, मैंने ये बोला था, क्योंकि 18 इंच काफी ज्यादा होता है, स्मॉल साइज होता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ओके, तो मैंने बोला कि 4 पेंटिंग है 4000 रुपए, क्योंकि उन्होंने बोला था वाटर कलर में बनानी है, तो वाटर कलर में बना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करके आपको पेंटिंग भेज देती हूँ, कि आपको जो पसंद आती है आप मुझे चूज करके बता दीजिए। जी तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने फिर कुछ व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे हाय बोला अलग नंबर से, मैं उस टाइम समझ नहीं पाई थी कि ये अलग नंबर से क्यों आया। जी तो मैंने भी नहीं पूछा, मैंने सोचा होगा अलग नंबर, उनका व्हाट्सएप अलग नंबर से होगा। हाँ जी। तो उन्होंने मैंने पेंटिंग्स की काफी सारी पिक्स भेजी, तो मैंने बोला आपको इनमें से कौन सी पसंद है। उन्होंने उस चीज का रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि पहले मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जी। मुझे कोई उस चीज में इशू नहीं था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने उन्हें फोन पे ये बात बोली थी कि हाँ जी। पहले आप पेंटिंग सेलेक्ट कर लीजिए, फिर हाँ आप जी। मुझे पैसे पे कीजिएगा। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ आप फोन पे ही डाउनलोड कर लीजिए। मैंने कहा सर मेरे पास फोन पे तो है नहीं, हाँ मैं जी। गूगल पे चलाती हूँ, तो जी। आप मुझे गूगल पे कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं आप फोन पे डाउनलोड कीजिए, मैं फोन पे चलाता हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया। जी। डाउनलोड करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको पेमेंट डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे एक पिक आएगी आप उसको देख लीजिएगा। जैसे जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे वैसे किया। हाँ जी। अब उन्होंने जो अमाउंट डाली थी वो डाली थी 4999 के आसपास, जी ठीक है सर। जी तो ये हो गया 5000 के आसपास हो गया, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी।
उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि इतनी फेमस या क्या चक्कर, मुझे तब भी समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने अमाउंट पे ध्यान नहीं दिया था इतना। उन्होंने जो पिक भेजी मैंने तो ओके ओके किया, वो कटा नहीं। जी रीजन ये था कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए ओके थे ओके जी तो कटा नहीं, क्योंकि जब इतनी अमाउंट होती है तो वो जाती नहीं है। जी बिल्कुल हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे 9,900 का भेजा और वो कट गई मेरी। मुझे उस टाइम भी मेरा बैलेंस नहीं आया था क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो रहा था, वो जी मेरी 9,900 की पेमेंट कट गई। फिर जी उन्होंने बोला कि बेटी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप है ना, उन्हें पता चल गया था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। क्योंकि वो अपने आप ही पता चल गया ना, उसका कारण तो ये था कि जब उनको लगा कि अमाउंट नहीं कटी है अकाउंट में से, तो इसका मतलब कि उनके अकाउंट में या तो इतनी अमाउंट नहीं पड़ी होगी फिलहाल। हाँ, राइट। जी तो उन्होंने बोला कि आप है ना पैसे डलवाइए इसमें, क्योंकि मेरा पैसा भी फंस गया और तुम्हारा जो पैसा गया है वो भी फंस गया। ठीक जी है, उन्होंने मुझे बात बोली। तब भी मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही थी कि शायद, मैंने सोचा हाँ इस वेबसाइट पे ऐसे ही होता हो कि फंस गया हो। तो उसके बाद मैंने अपने भाई से बोला कि भाई फटाफट मुझे 2,000 रुपए पे कर दे, मेरे पैसे अटक गए हैं कहीं। हाँ तो जी उसने मुझे गूगल पे कर दिया। ठीक है, जी उन्होंने फिर मुझे 199 की भेज दी और वो भी ओके कर दी गलती से, वो भी चला गया। ठीक नहीं, है, पहले पहले कितनी अमाउंट गई? जी पहले मेरी 99 की गई थी, 999 रुपीज। ओके ओके, 1,000 अमाउंट चली गई पहले, और उसके बाद 2,000 अमाउंट दोबारा से चली गई। हाँ, फिर 199 की, वो वन नहीं, जब नाइन नाइन की आपके शुरू में आपके 999 रुपीज कटे, तो फिर उस टाइम आपके पास बैंक का मैसेज आया होगा कि आपके पैसे कट गए हैं। मैसेज नहीं आया था मेरे पास, क्योंकि हाँ मेरे पास बैंक का मैसेज बाद में आया था कि ये पैसे कट कैसे गए। तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी कि बेटा तुम्हारे पैसे भी अटक गए हैं, मेरे पैसे भी अटक गए हैं। तब 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 ये गड़बड़ हुई थी। अगर अगर मुझे ये पहले ही पता चल जाता तो मैं 2,000 भी नहीं डलवाती अपने अकाउंट में। जी तो ये हुआ, फिर जब 2,000 आए, उन्होंने जो पिक भेजी, जब मैंने बाद में देखा रही तो सैंड हो गया है, वो हाँ भी कट जी गया। जी तब मैं घबरा गई। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे पैसे मुझे दो, ये सब। और वो बार बार बेटी बेटी करके बात कर रहे थे मुझसे। और बताओ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं काली मैया कसम खा रहा हूँ, अपने दोबारा से चेक करो आपके अकाउंट में कितना था और कितना मेरा इधर से चला गया है। मैं स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा, 5 रुपए मेरा कट हो चुका है, चेक करो नहीं, अपना। मेरा कट हो गया है, मेरा कट हो गया। मैं आपको हिस्ट्री मेरी भेजती बात हूँ, सुनो, मैं मेरी बात आपको सुनो हिस्ट्री बेटी, भेजती सुनो। हूँ। देखो बेटे मेरी बात सुनो, देखो 5 रुपीज आपका, 5 मेरा, आपको 10 रुपीज जमा हो गया होगा, हिस्ट्री में चेक करो अपना, हिस्ट्री में चेक करो, आपको 10 रुपीज आया होगा, हाँ 5 आपका, मेरे को, 5 हाँ मेरे मेरा। को 10 रुपीज आया, अभी अभी आया है मेरे को। तो आया ना, तब तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसे ही मिलेगा। तो मैं बोलता रहा हूँ ना, मैंने पिन मेरा गलत था, आपको ये सेंड तुरंत करना है, ठीक है ना? अब आपको हाँ सेंड, आपने अब मुझे सेंड रिसी, आपने कैसे सेंड कर दिया, ये आपने सेंड किया है नहीं मुझे सुनो, सेंड अभी। नहीं किया, मेरी बात सुनो, वो सेंड नहीं किया, जैसे आपने किया था ना बैंक की तरफ से, 5 आपका 5 मेरा, तो जमा हो जाता है मिलके, तो मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप बोल रही थी मेरा कटा, मेरा अभी तो तभी कट गया था, तो मैं बोल रहा था आपसे। और सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैंने कल कल आई थी, मैंने उन्हें मैसेज, आप मेरे पैसे लौटा रहे हो या नहीं लौटा रहे। जी तो मैंने ये फोन पे है ना एक बार चेक किया था कि कब कब मेरी जो गई है पेमेंट, तो मुझे 2 दिन पहले ही 1 रुपया भेजा गया है उनकी तरफ से। ओके तो वहाँ पे नाम भी कुछ और है, और जो उन्होंने जो 2 पिक से जो उन्होंने पैसे मेरे लिए है ना, वो पिक उन्होंने पहले ही डिलीट कर दी थी। ओके हाँ, तो वो मैं कुछ चीजें शो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि बेटा अपना कार्ड का जो फोटो है, जैसे मैंने आपको अपने कार्ड की फोटो भेजी, आप भी भेजिए। ठीक हाँ है, जी हाँ जी बात तो मैंने उनकी कोई बात मानी ही नहीं, क्योंकि मेरा पैसा चला गया। आई जी नो, बिल्कुल बिल्कुल, आपको चलो एटलीस्ट आप 3,000 से अवेयर हो गए। आप अगर मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो कई लोगों के 4-4 लाख रुपए से ज्यादा पैसे चले गए हैं, आपको पता है? बिल्कुल नहीं। मुझे उन 3 लाख, मुझे 3,000 रुपए का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि वो 3,000 रुपए मैंने अपनी मेहनत से ही कमाए थे, क्योंकि वो पेंटिंग फेल करते ही जी मैंने ये बिल्कुल पेमेंट जी की। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी बात, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी ये नंबर है, मैंने जब कॉल किया था ना अभी कल, मैंने कॉल किया था मेरे पैसे दे दीजिए, मैंने काफी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। तो जी फिर उन एक
नए नंबर से कॉल आया, यानी कि मेरे पास एक और नंबर आ गया नया, बिल्कुल नया नंबर, जिसकी मैं जितना भी सर्च करती हूँ नंबरों को, मैंने कॉलर आईडी पे चेक किया तो किसी पे फेक लिखा था, लेकिन एक नंबर उसमें फंसा हुआ है, उसमें नाम से आ रहा है, वो किसी मतलब किसी की आईडी पे नहीं है, वो उसकी खुद की आईडी पे नंबर है। नहीं, वो ऐसा होता है, अगर ट्रू का आपने ट्रू कॉलर में देखा होगा ना कि नाम लिखा आ रहा है, हाँ नाम लिखा आ रहा तो ट्रू कॉलर में हम इजीली किसी भी नंबर का नाम चेंज कर सकते हैं खुद, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो वो भी उसको भी आप रियल नहीं कह सकते कि वो, और हो सकता है उसमें फेक ना लिखाया हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी अपनी जी मर्जी से रख लिया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपको, और हाँ मेरी जो ये जो जिस नंबर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस नंबर पे जितनी भी मेरी बात हुई थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे अदर नंबर पे बात हुई थी, जो दूसरा वाला नंबर है, जो मैंने वहाँ पे उनसे बोला था कि आप मुझे गूगल पे कीजिए, इससे मेरा गूगल पे है, हाँ तो जी, उस नंबर पे मेरी कंटिन्यू जो भी बात हुई थी वो मैं आपको सेंड तो कर दूंगी, लेकिन आप उससे ना मुझे थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको भेज तो दूंगी, लेकिन वो नहीं, आपके ऊपर ही आप विनय जी मुझे बेफिक्र होकर सेंड कर दीजिए, उसमें जो भी कुछ ऑडियंस के सुनने के लिए नहीं होगा या फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो फैमिली मेंबर्स वीडियोस देखते हैं तो मुझे अगर सब कुछ ध्यान में रख के वीडियोस को पोस्ट करना होता है, जी बिल्कुल, तो लेकिन मैं, ये तो आप टेंशन फ्री होकर मुझे मेल कर दीजिए, तो या व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैं अपने आप उसको एडिट करके जो भी दूसरों एक को मान लो दिखाने वाली और चीज होगी तो मैं वही, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो पाए, अपना मेन पर्पज तो यही होता है ना। जी बिल्कुल, और बोल रहा था मेरा आर्मी का अकाउंट है, ये आर्मी सब फेक, बहुत बड़ा सब हो गया फेक, है, कॉल सब में भी फेक। है सर, कॉल रिकॉर्डिंग में आर्मी, उसने खुद बोला है मेरा आर्मी का अकाउंट यस है। यस यस, वो इसलिए बोला जाता है ताकि सामने वाला बंदा ज्यादा ट्रस्ट कर ले कि यार आर्मी वाला बंदा है तो ट्रस्टेड ही होगा। और सर एक और चीज, उन्होंने मेरा नंबर है ना, मैं आपको एक नंबर सेंड करूंगी हैंड टू हैंड, उस नंबर से मुझे कॉल आया था, उन्होंने बोला था मैम आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज मतलब डाला है, जी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, मैंने कहा सर मैंने तो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, और वो सर पता है किस चीज का था, मैं आपको खुल के बोल रही हूँ, वो जी एक सेक्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट था, सीरियसली, ओके जी ठीक है, उसने वहां मेरा नंबर डाला, मतलब मेरा नाम मेरा नंबर यूज किया वहाँ पे, पूजा के नाम से यूज किया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये अपने को क्या करूं ऐसा जो मेरे नंबर पे कोई ऐसा कुछ कर ना सके, या देखो, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर का इस तरह से कुछ मिसयूज हुआ है, ठीक है, ये तो तो हो अगर रहा है। आप नंबर चेंज कर सकते हो मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि फिर हो सकता है पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया हो। हाँ ओके, 2 दिन बाद मेरे पास मेरे अकाउंट में 1 रुपया आया, इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि उन्होंने अकाउंट वेरीफाई किया ना? लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी अकाउंट की डिटेल वगैरह तो नहीं जाएंगे ऐसे कुछ। नहीं, कुछ नहीं जाता, आपने जो देने थे पैसे उन्होंने निकाल लिए। अगर आपने अपने कोई डेबिट कार्ड वगैरह की फोटो भेजी है तो नहीं आप नहीं तो वो तो चेंज कर मैंने दीजिए, उन्होंने नहीं भेजी है तो फोटो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो अगर ये ऐसे अकाउंट डिटेल से पैसे निकालने लग गए बस फिर तो बैंक बंद हो जाएंगे। मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि जी आप मेरा थोड़ा हो जाए बस, ठीक है, जी बिल्कुल, बाकी थैंक यू सो मच, मैं भी भेज ओके, दूंगी, थैंक यू ठीक सो मच है, बिना, आपका भी, और जो भी मटेरियल हो मुझे मेल कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी जी बाय। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की बीना जी से जो कि पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, और देखिए किसी की पेंटिंग से की हुई कमाई जो कि मेहनत की कमाई थी और किसी ने नकली पेंटिंग का कस्टमर बन के उनसे लूट ली। तो यार, मैं तो हर पढ़े लिखे इंसान से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार, माना कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कभी भी आप किसी तरह के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि अगर हम ऐसी वीडियोज़ को हर किसी के मोबाइल में पहुँचा दें तो यार किसी के पैसे ही ना लगें, किसी भी चीज़ में ऐसे फ्रॉड में पैसे ना वेस्ट हो। तो मेरा तो बस यही प्रयास रहता है कि किसी का मेहनत का पैसा इस तरह के फ्रॉड में ना जाए। बाकी देखो यार, शेयर करना सब आपके हाथ में है, हर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं, फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी में, तो आप काफ़ी जगह पहुंचा सकते हैं ताकि बेचारे के पास, किसी के पास लूटने से पहले ये चीज़ें पहुंचे, क्योंकि जब किसी के पैसे वेस्ट हो जाते हैं तो यार देखो फिर उस चीज़ का कोई हल होता नहीं है खुद का टाइम वेस्ट करने के अलावा। चलो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर देना ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, और पहली बार मिस्टर ग्रोथ चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं वो वीडियो आपके मिस ना हो, और हम जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।